मेरे को क्या पता देखे कि नहीं देखे, हमने देखा ही नहीं, अपने काम से मतलब रखते हैं हम। एक साल हो गया इधर, एक साल हो गया देखे। आप उधर आते होंगे, चले जाते होंगे, हम लोग यहीं तक रहते हैं। ये बताइए, साल साल भर हो जाता है मायावती जी गायब है, यहाँ तो नहीं दिखा। कितने साल हो गया देखे आप? हमें 3 साल हो गए। 3 साल से मायावती जी को नहीं देखे? 3 साल पहले देखे थे। हाँ। गार्ड है, आप तो सबको देखते होंगे आते जाते, आपकी कॉलोनी का मामला है। हाँ ठीक है, लेकिन इधर नहीं देखा। मायावती जी की कॉलोनी के लोग मायावती जी को नहीं देख पाए हैं, बाकी जनता जाने जनता के ऊपर है। आइए आगे चलते हैं, उनकी कॉलोनी काफ़ी बड़ी है। और इधर ही आवाज़ है उनका तो आती भी नहीं है यहाँ पे। आती जी, ये आपकी कॉलोनी का मामला है तो बता रहे हैं यहीं रहती हैं? नहीं सर, हमने कभी नहीं देखा उनको। हाँ होंगी, मतलब क्या लगता है कि कॉलोनी में है आप लोग देख नहीं पाते हैं, कैसे हो सकता है? कॉलोनी में है तो हम लोग ने कभी नहीं देखा उनको। वो मायावती जी हैं कहाँ यह उनकी कॉलोनी के लोगों को नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में मायावती को खोजा जा रहा है, कहा जा रहा है कहाँ है दलित की बेटी जो दलित के नाम पर वोट लेकर मुख्यमंत्री बन गई। और तो हम भी खोजने चले आए कि मायावती जी कहाँ हैं आखिर। मायावती जी को जनता याद कर रही है, खासकर दलित भाई बहन याद कर रहे हैं। तो ये देखिए मायावती जी का ये आवास है, यहाँ मायावती जी का आवास है, मायावती जी यहाँ रहती हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि आखिर मायावती जी कहाँ हैं, जब मायावती जी की ज़रूरत दलितों को है। तो आइए उन्हीं की कॉलोनी में हम पूछ लेते हैं कि क्या उनकी कॉलोनी में उनको किसी ने देखा है क्या, उनको किसी कोई उनसे मिला है क्या, और मिला है तो कब मिला है और कितने दिन पहले मिला है। तो आइए चलिए, फिलहाल यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है उनके घर के अगल बगल जो बता सके, मगर उनकी कॉलोनी में पता करेंगे कि आखिर मायावती जी को किसने देखा और कब देखा। क्योंकि इस वक्त जो उनके दलित भाई बहन हैं, हमारे दलित भाई बहन हैं, वो सब याद कर रहे हैं। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए मायावती जी को देखे हैं क्या? नहीं, कितने दिन से नहीं देखे? हमको पता ही नहीं था कितने दिन से। आप लोग धंधे में मस्त रहते हैं। कहाँ ठेला लगाते हैं? कांग्रेस कमेटी माला मनू, इसी कॉलोनी में लगाते हैं। हाँ तो मायावती जी को देखे कभी के लिए? देखे हमने को क्या पता देखे कि नहीं देखे, हमने देखा ही नहीं, अपने काम से मतलब रखते हैं हम। आइए आगे चलते हैं, पूछते हैं लोगों से कि किसी ने मायावती जी को देखा क्या। आइए यहाँ भी कुछ लोग हैं खड़े हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है भैया, बढ़िया है। आप कैसे हैं? एकदम ओके ओके। ये बताइए मायावती जी को आपने देखा क्या कभी? इधर तो नहीं देखा काफ़ी दिन से। कितने दिन पहले देखा था? अरे आती होंगी, लेकिन हम लोग मौजूद नहीं रहते हैं, मतलब एक साल हो गए होंगे इधर। एक साल हो गया देखे? आप उधर आती होंगी, चली जाती होंगी, हम लोग यहीं तक रहते हैं। आपने देखा क्या भैया? नहीं पास नहीं। कभी कभी कब देखा होगा? हमको हो गया लगभग 8-9 साल तो हो गए। 8-9 साल हो गया। आप इसी कॉलोनी के हैं? नहीं नहीं, यहाँ का नहीं। कहाँ गए? बक्सी तालाब से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं, रहते हैं, मतलब काम तो दिन भर में ही करते हैं। दिन भर तो रहते हैं। अभी नहीं देखा? नहीं। आप कहाँ गए भैया? अर्जुनगंज के। यहाँ क्या करते हैं? जॉब कर रहा हूँ। यहाँ मायावती जी को देखे नहीं? आपकी कॉलोनी में रहती हैं। यहाँ तो नहीं दिखा। कितने साल हो गया देखे आप? हमें 3 साल हो गए। 3 साल से मायावती जी को नहीं देखे? 3 साल पहले देखे थे। हाँ 3 साल पहले देखे। बताइए साल साल भर हो जाता है मायावती जी गायब है, और दलित भाई बहन याद कर रहे हैं मायावती जी को, उनकी ज़रूरत है, वो दिखाई नहीं दे रही है। सारे नेता पहुंच रहे हैं हाथरस और मायावती जी ट्विटर पर। आइए यहाँ गार्ड साहब हैं तो बहुत, आप तो सब पे नज़र रखते हैं। क्या हो गया बताइए? मायावती जी को देखे हैं क्या इधर कभी? नहीं। कितने साल हो गए देखे? किसको? मायावती जी को। अरे उनको हो गया 3-4 साल। आखिरी बार कहाँ देखे थे? आखिरी बार कब देखे थे? याद नहीं कब देखे थे भाई। अब याद भी नहीं है? कब नहीं पता ना कब देखे थे। आप तो गार्ड हैं, आप तो सबको देखते होंगे आते जाते, आपकी कॉलोनी का मामला है। हाँ ठीक है, लेकिन इधर नहीं देखा। नहीं देखे हैं? बताइए भाई उनके मायावती जी के कॉलोनी के लोग मायावती जी को नहीं देख पाए हैं, तो बाकी जनता जाने जनता के ऊपर है। आइए आगे चलते हैं, उनकी कॉलोनी काफ़ी बड़ी है। तो इस कॉलोनी में यहाँ देखिए कुछ युवा भी हैं वहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों के पास भी चलते हैं, युवाओं के पास। क्या नाम है बाबू आपका? रोहित नाम। रोहित ये बताओ यहाँ मतलब कब तक आते हो आप? कितने साल से आ रहे हो? हम तो अभी आए हैं आज ही। आज ही पहली बार आए हो? पहली बार आया था। तुम कितने साल से आ रहे हो? मैं तो बहुत साल से आ रहा हूँ एक्चुअली, 10 सीजे से तो हम आते रहते हैं मेडिकल सब। यहाँ आपके बगल में मायावती जी का आवास है। जी। कभी देखे आपने उनको? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। कितने साल से आ रहे हो? मैं 8-8 साल से आ रहा हूँ, मैं बचपन से यही हूँ लखनऊ में मोस्टली। मायावती जी को देखे नहीं आप? यहाँ लखनऊ में नहीं देखा बेसिकली। और इधर ही आवाज़ है उनका तो आती भी नहीं यहाँ पे। आती नहीं? जी। ये आपके कॉलोनी का मामला है तो बता रहे हैं यहीं रहती हैं? नहीं सर, हमने कभी नहीं देखा उनको। नहीं देखा? आपने कभी देखा क्या? नहीं। कितने साल से हो आप यहाँ? मैं तो बचपन से यहीं पे हूँ। बचपन से? कभी मायावती जी को नहीं देखा आपने? नहीं। आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं पर देखा नहीं। पर आते नहीं है? आते नहीं यहाँ पे मोस्टली। रहती तो यहीं है लोग कहते हैं। आपने देखा क्या? नहीं कभी नहीं देखा। कहाँ होंगी, मतलब क्या लगता है कि कॉलोनी में है आप लोग देख नहीं पाते हैं, कैसे हो सकता है? कॉलोनी में है तो हम लोग ने कभी नहीं देखा उनको। हाँ।
कभी नहीं देखा। बड़ा गंभीर मामला है भाई, मायावती जी को किसी ने देखा नहीं। उत्तर प्रदेश के सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं, और वो दलितों को, दलित हमें तो उनको याद करते हैं, दलित भाई बहन, और वो खुद खोज रहे हैं कि मायावती जी उनके बीच आएँ, उनके मुद्दों को उठा रही हैं ट्विटर पर, मगर ज़मीन पर कहाँ है, यहाँ तक कि कॉलोनी के लोग नहीं पता चल रहा है, कॉलोनी के लोगों को नहीं पता है कहाँ पर हैं। भाई साहब क्या हाल है, कहाँ रहते हैं आप? हम भैया पारम बैठे हैं आलमबाग में। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ भैया शूटिंग आई है, गाड़ी चलाने आए हैं। अच्छा, शूटिंग पे आए हैं जी। शूटिंग वाले हैं साहब, आइए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, मायावती जी को आपने देखा है क्या कभी? हाँ देखा है। कब देखा है? हमने देखा चुनावों में भी देखा, हमने कई बार नहीं देखी, इसी कॉलोनी में रहती है। हाँ देख, इस कॉलोनी में बाहर नहीं देखा फिलहाल हमने, मतलब नहीं देखा। नहीं नहीं, यहाँ नहीं देखा, यहाँ नहीं देखा, बाकी कई जगह देखे हैं, चुनावों में देखे, चुनाव में बता रहे थे, चुनाव में देखे हैं, अब चुनाव के बाद तो हम भी नहीं देखे हैं। आइए आगे चलते हैं, पूछते हैं, टीवी पे लोग देखते हैं, यहाँ भाई लोग घूम रहे हैं। भाई साहब क्या हाल है? बस सब ठीक है सर। कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? हम मुंबई से। यहाँ क्या कर रहे हैं? शूट करने आए थे। आप तीन लोग शूट पे हैं? नहीं, और भी टीम है। अच्छा, और भी टीम है। इस कॉलोनी में मायावती जी रहती हैं, आगे पता है जी? नाम सुना है जी? हाँ। आप जानते हैं मायावती? हाँ जानते हैं। आप भी जानते हैं? नहीं नहीं जानते। ये बताइए कहाँ रहने वाले हैं जी? मुंबई के। मुंबई के रहने वाले जी। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ 3-4 दिन हुए अभी। अच्छा, मायावती जी को देखा क्या इधर? नहीं कभी, अभी कभी तक नहीं देखा। नहीं कभी नहीं देखा। 3-4 साल बाद हैं, जो 10 साल से उन्हें देखे तो क्या देखेंगे। आइए आगे, आइए चलिए और आगे चलते हैं, पूछते हैं लोगों से। यहाँ देखिए खूब खूब सारी भीड़ लगी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, जो पूरी कॉलोनी है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के कॉलोनी की कॉलोनी है, और उनके ही सब अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं। तुम्हारी कॉलोनी में मायावती जी रहती हैं? हाँ जी। जानते हो? हाँ बगन तो रहती हैं। अच्छा, कभी कभी दिखाई दी हैं? पिछली बार कब देखे थे? वो हमने लक्ष्य में देखा था, सरकार है उनकी थी। हाँ, उसके बाद दिखाई नहीं दी। कॉलोनी में रह के नहीं देख पाए? हम अपने काम में रहते हैं। कभी गुजरते उजरते भी? हमने ध्यान नहीं दिया। कभी मिलने उलने भी नहीं? बताओ भाई, ये तो स्थिति ये फिलहाल। जितने लोग थे, जितने लोग हमको दिखाई दिए मायावती जी कॉलोनी में, उन सभी लोगों से मैंने पूछ लिया कि क्या उन्होंने मायावती जी को देखा है। देश की एक बड़ी नेता हैं, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दलितों की सबसे बड़ी नेता आप कह सकते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और देश में सबसे बड़ी नेताओं में उनका भी एक नाम है दलितों का, मगर वो मायावती जी हैं कहाँ यह उनकी कॉलोनी के लोगों को नहीं पता है। फिलहाल प्रदेश के लोग याद कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।